एक तरफ पाकिस्तान सुषमा स्वराज के यूएन में बयान से पूरे तरीके से बौखला गया है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको बताते हैं कि सुषमा स्वराज ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था। जी हाँ, पूरा पाकिस्तान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के यूएन में दिए गए बयान से बौखलाया हुआ है। खबर की शुरुआत करने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर विदेश मंत्री ने ऐसा क्या कहा था। सुषमा स्वराज ने अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान को घेरने के साथ साथ मोदी सरकार की तारीफें की। सुषमा स्वराज ने कहा कि हमने IIM और IIT जैसे संस्थान दिए हैं और पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी गुट तैयार कर रहा है। यहां सुषमा स्वराज को पाकिस्तान जवाब दे रहा है और वहां राहुल गांधी अपनी ही राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने सुषमा स्वराज के इस बयान के बाद ट्वीट करके कह दिया, सुषमा जी थैंक यू फॉर फाइनली रिकॉग्नाइजिंग कांग्रेस गवर्नमेंट ग्रेट विजन एंड लिगेसी ऑफ सेटिंग अप IIT IIM। इसका मतलब है आखिर में कांग्रेस सरकारों के महान विजन IIT IIM की स्थापना जैसी उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए सुषमा स्वराज आपका शुक्रिया। बता दें आपको कि राहुल गांधी के इस ट्वीट पर लोग उन्हें बुरे तरीके से ट्रॉल कर रहे हैं। जी हाँ, कोई उन्हें पप्पू कह रहा है तो कोई मंदबुद्धि। लोगों का कहना है कि यहाँ भारत बनाम पाकिस्तान बनी हुई है और राहुल गांधी BJP वर्सेस कांग्रेस में ही अटके हुए हैं। कहीं न कहीं बात भी सही है। सही बात है कि राहुल गांधी इस बार ये समझ नहीं पाए कि किस मौके पर उनको क्या कहना चाहिए। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।